everyone, welcome to a very exciting video. And ये idea तो आ ही गया होगा मेरा चेहरा देख के कि why do I look like this and why do my nails look like this. ये है क्योंकि आज हमने test किए हैं बहुत सारे weird makeup hacks but using only a spoon. तो ये side जो है मेरा यहाँ पे मैंने spoon use नहीं किया है और ये side पे मैंने spoon use किया है मेरा full face of makeup करने के लिए. तो let me show you कि ये कैसे हुआ. सबसे पहला hack था eyebrows के लिए and usually जब मैं eyebrows करती हूँ मैं सिर्फ एक line यहाँ पे करती हूँ और यहाँ पे करती हूँ. एकदम ही शार्प आईब्रोज होते हैं मेरे, बट स्पून के हेल्प से हम एक आर्च ला सकते हैं आईब्रोज में एंड दिस इज हाउ इट वेंट. So I had two different sizes of spoons and the smaller one is better for the eyebrows. तो पहले मैं बिना स्पून के आईब्रोज फिल कर दूंगी. आई यूजली ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द टॉप एंड द बॉटम एंड जब आर्च की बात आती है even that's a straight angle and this is done. Now we are gonna try the spoon. Spoon ka point kya hai ki yahan pe ek acha curve aayega but main mere eyebrows curvy kabhi nahi karti. So this is going to be the first time. It's a very different shape for me. I'm surprised that it actually looks even decent. मैंने expect नहीं किया था कि the curve will actually make it look a little natural. Wow, this hack works. Although आगे के बाल तो फिर खुद ही fill करने पड़ेंगे or else हम spoon के पीछे का part use कर सकते हैं. This hack works. So needless to say, ये hack मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मुझे spoon के साथ वाला जो side है ना मुझे ज़्यादा natural लग रहा है कि एक archway is looking better एक एकदम sharp line के comparison में. So the first hack is definitely a thumbs up. अभी second hack था eye shadow के लिए and उसके लिए पहले हमने concealer तो बहुत अच्छे से लगा लिया क्योंकि ये hack था cut crease के लिए and cut crease के लिए आपका जो बाकी का base है वो एकदम finished लगना चाहिए. First I did the spoon वाला side and वो hack कुछ ऐसे गया. आई मेकअप के पहले कंसीलर इज वेरी इम्पॉर्टेंट अभी तो आई एम गोना हैव टू डू दैट. I am choosing ये bright वाला orange color. तो ये bright है इसलिए एकदम अच्छे से दिखेगा if this hack works. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. एकदम dark नहीं है, इसको dark करते हैं. And what's it dreaming of? I wonder. Yeah, this is so visible. I'm in shock. How come the sky sometimes hides behind the clouds? So मैंने ये set पहले इसलिए किया ताकि हम same look यहाँ पे recreate करने का try करें but without the spoon. Same color. Always keep on pouring down. When it's gray outside, it really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. तो बिना स्पून के आई शेडो एक्चुअली पूरे आंख पे लग गया एंड इतना क्लीन फिनिश नहीं आ रहा जितना इसका आ रहा है. तो आई एम शॉक्ड टू से कि ये हैक मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इसको डेली लाइफ में भी डेफिनेटली यूज़ करूँगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सटल और काफ़ी वेल फिनिश्ड लग रहा है. स्पून वाले साइड से मैं इतना इम्प्रेस हो गई कि मैंने सेम लुक बिना स्पून के क्रिएट करने की कोशिश तो की बट वो नहीं हो पाया. काफ़ी ज़्यादा आई शेडो एंड में जमा हो गया एंड पूरे आई पे भी लग गया. तो स्पून के साइड इज़ लुकिंग
आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. जेन्युइनली इतना एयर ब्लेंडर लग रहा है, इतना स्मूथली ब्लेंडर लग रहा है ना कि आई एम गोइंग टू यूज दिस हैक एवरी सिंगल टाइम जब मुझे आई शेडो करना. और मुझे आई शेडो से उतना डर नहीं लगेगा जितना पहले लगता था. सो दिस आई शेडो हैक इज एन इवन बिगर थम्स अप देन द आईब्रोज. थर्ड हैक था आई लैशेज कर्ल करने के लिए. अब मैं ना नॉर्मली भी आई लैशेज कर्ल नहीं करती. लाइक मेरे पास आई लैश कर्लर शायद होगा भी नहीं घर पे. मैंने ये साइड तो आई लैशेज कर्ल किए ही नहीं. ये साइड मैंने आईज को काफ़ी ज़्यादा रगड़ा एंड कुछ ऐसे गया ये वाला हैक. अब हम ट्राई करेंगे आई लैशेज को कर्ल करना. अभी मैंने आई लैश कर्लर जल्दी से यूज़ किया ही नहीं मेरे लाइफ में, तो आई डोंट नो कि ये साइड में हम कुछ कर भी सकते कि नहीं. सो दिस साइड विल बी जस्ट नॉर्मल. ये साइड हम आई लैशेज कर्ल करने की ट्राई करेंगे. उसके लिए स्पून को ऐसे रखना है और आई लैशेस को ऊपर पुश करना है. इज देयर एक्चुअली अ डिफरेंस? क्योंकि मेरे को देख के लग रहा है कि देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस. आई डोंट थिंक कि कैमरा पे इतना दिखेगा क्योंकि जो ब्लैक आई लाइनर है वो काफ़ी थिक है, तो उसकी वजह से शायद आई लैशेज छुप रहे होंगे. बट देर इज़ अ डिफरेंस. इतना भी डिफरेंस नहीं है कि मैं ये रोज़ करूँ कि स्पून से आराम से बैठ के करते जाओ. बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता. अगर कर्ल करना ही होता तो हम कर्ल यूज़ करते. तो ये हैक कुछ इतना काम का नहीं है. बट हाँ, अगर आपके पास बहुत फुर्सत का टाइम है या आप पजामा पार्टी कर रहे हो गर्ल्स के साथ, तो आप ये ट्राई कर सकते हो. सो इट्स लाइक एन ओके ओके हैक. लाइक या 5/10 तो नहीं उतना मज़ा आया. आई वॉज लाइक ठीक है, टाइम पास के लिए इट वॉज ओके. बट मैं ये हैक शायद वापस कभी नहीं करूँगी, तो ये हैक को मैं थम्स डाउन ही देना प्रेफर करूँगी. फिर ये आई लैशेज पे हमने किया मस्कारा. एंड मस्कारा में मैंने ये इशू इतनी ज़्यादा बार फेस किया है कि मस्कारा करने के बाद ऊपर भी लग जाता है एंड नीचे भी लग जाता है. लाइक अभी तक यहाँ पे पड़ा है मस्कारा. तो हम स्पून को यूज़ करने वाले थे एज अ शील्ड कि स्पून के ऊपर एक्स्ट्रा मस्कारा लग जाए. एंड ये हैक कुछ ऐसे गया. अब हम करेंगे मस्कारा. एंड मस्कारा के लिए ये स्पून को एज अ शील्ड यूज़ करना है कि ताकि मस्कारा नीचे ना लगे. एंड मेरे साथ ये कितनी बार होता है कि मस्कारा गीला होता है और नीचे लग जाता है और फिर उसको साफ करना पड़ता है और कंसीलर वापस करना पड़ता है. तो ये साइड हम यूज़ करेंगे ऐसे ही. ऑलरेडी आई थिंक नीचे लग चुका है. तो यहाँ पे लोअर लैश लाइन पे नीचे डेफिनेटली मस्कारा लग गया अंडर द आईज. एंड ये हर बार होता है मेरे साथ. तो इफ द स्पून कैन सेव मी, मेरे मेकअप किट में स्पून डेफिनेटली ऐड हो जाएगा. लेट्स ट्राई. इट मेक्स मी वंडर. या इट मेक्स मी वंडर. That worked. कहीं पे भी और मस्कारा नहीं लगा. बट द रियल टेस्ट विल बी नीचे के आई लैशेस, क्योंकि वो ही ज्यादा तंग करते हैं. ओके, सो हैक वर्क तो करता है बट ये ना हल्का कर देता है मस्कारा को. तो यहाँ पे मस्कारा काफ़ी ज़्यादा डार्क और काफ़ी हैवी लग रहा है क्योंकि सारा का सारा प्रोडक्ट लग गया था आई लैशेस पे. पर यहाँ पे काफ़ी सारा प्रोडक्ट स्पून पे लग गया है एंड इस वजह से आई लैशेस पे कम मस्कारा है, तो इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा जितना ये साइड लगता है. पर अगर आपको नेचुरल वाला लुक ज़्यादा पसंद है तो दिस हैक डेफिनेटली वर्क्स. आपके आई पे कहीं पे भी स्टेन नहीं लगेगा एंड यू कैन ट्राई इट्स वर्थ ट्राइंग. सो दिस हैक वॉज अ हिट विद अ कंडीशन कि मस्कारा उतना काला नहीं दिखेगा जितना बिना स्पून के दिखेगा. बट आई एम फाइन विद इट. मुझे नेचुरल लुक ज़्यादा पसंद आया. मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटा लग रहा है मस्कारा एंड यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ऐसा नेचुरल फिनिश और इवनली स्प्रेड लग रहा है आई लैशेज. तो ये हैक को मैं तो डेफिनेटली थम्स अप दूंगी. एंड हमारा लास्ट मेकअप हैक था कॉन्टोरिंग करना. कॉन्टोरिंग में मैं स्ट्रगल करती हूँ. लाइक एज यू कैन सी हियर, बहुत ही ज़्यादा कॉन्टोरिंग कर देती हूँ मैं. लाइक
ऑलमोस्ट पूरे चीक पे ऐसा ब्राउन ब्राउन लगा देती हूँ, क्योंकि साइड में होता है ना तो मुझे उतना दिखता नहीं है कि लगा है नहीं लगा है, तो मैं करते जाती हूँ एंड वो फैल जाता है। तो स्पून की मदद से हमने ये वाला रिजल्ट अचीव किया था ऐसे। कॉन्टोरिंग मैं जल्दी से नहीं करती बिकॉज मेरा कॉन्टोर पूरे मुँह पे फैल जाता है, तो दिस हैक इज एग्जैक्टली फॉर दैट कि अगर आप अपने चीक्स पे एग्जैक्टली स्पून रख दो तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका कॉन्टोर सिर्फ यहाँ पे करना चाहिए एंड देन आपका कॉन्टोर एकदम मोटा सा नहीं लगेगा। सो हियर वी विल डू इट नॉर्मली हाउ आई डू इट। तो ये वाला कॉन्टोर है, मैंने एक्चुअली पहले से आपके लिए ब्लश ले लिया बट वो इतना हल्का था कि वो इतना पिंक नहीं लग रहा, सो नाउ आई टेक द कॉन्टोर। एज यूजुअल बहुत ज़्यादा ओवरडू कर दिया है, वाओ। इट्स लाइक हमें लगता है कि मेकअप दिख नहीं रहा इसलिए और लगाते हैं एंड बाय द एंड ऑफ 2 मिनट्स इतना सारा प्रोडक्ट हो जाता है ना चेहरे पे कि बहुत ही अजीब लगता है, बट ये साइड होपफुली विल बी बेटर। मैं एक्चुअली राइट ही हूँ तो मेरे को स्पून ऐसे पकड़ना पड़ेगा, दैट्स बेटर, बस इसको ब्लेंड करना है। सो आई थिंक ये हैक में गलती मेरी है कि मैंने प्रोडक्ट ज़्यादा ले लिया, बट इट डेफिनेटली वर्क्स कि आपको एक बहुत ही सिंपल सा परफेक्ट जगह पे लाइन दे देगा। आई मीन यहाँ पे ना पूरे चीक में ऐसा ब्राउन धब्बा लग रहा है बट यहाँ पे एक प्रॉपर करेक्ट जगह पे लाइन है, सो दिस वन ऑल्सो वर्क्स। अभी मेरे पास था एक बोनस हैक, ये बोनस हैक नेल आर्ट का मैंने देख रखा था कि स्पून के अंदर मिक्स कर सकते हैं। एक्चुअली ये तो हम किसी और चीज़ में भी मिक्स कर सकते हैं लाइक अ डिश, लेकिन स्पून परफेक्ट क्यों है क्योंकि स्पून में जो गड्ढा होता है ना उसमें इजीली नेल फिट हो जाता है। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मुझे मिला ऐसे। सो इसमें 2 अलग कलर की नेल पॉलिश लेनी होती है। so far away, show us where we are. It really makes me wonder. And अभी इन दोनों को करना है मिक्स। इसमें डिप करना है हमारा नेल। What? Are you kidding me? कितना सुंदर बना है ये। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एक्सपेंसिव सैलून में जाके नेल आर्ट कराया हो। एंड ये दोनों तो कलर्स भी अजीब है, इमेजिन अगर पिंक एंड व्हाइट मिक्स किया होता तो ये कितना ज्यादा अच्छा लगता। तो दिस हैक हैज़ बिन सबसे सुपर हिट। मेरा ना चेहरा देखने लायक था, आई वॉज ब्लोन अवे जब ये नेल इतना परफेक्ट और इतना अच्छे से निकला। अब मेरे पास अभी सिर्फ यही 2 कलर्स थे मेरे मेकअप किट में, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि रेड कहाँ और ग्रीन कहाँ, बट अगर आप कुछ अच्छा कलर लोगे जैसे एक गोल्डन स्पार्कली नेल पेंट और एक पिंक नेल पेंट तो इतना प्रोफेशनल लगेगा ना कि ऐसा लगेगा कि आपने 1000 रुपये खर्च करके प्रोफेशनली नेल आर्ट कराया है। सो दिस हैक वॉज द बेस्ट इन दिस होल वीडियो, परफेक्ट एंडिंग टू अ वायरल मेकअप हैक टेस्टिंग। तो अगर आपको भी कोई मस्त वायरल हैक्स मालूम है ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM ज़रूर करना, और अगर आप इंस्टा यूज़ नहीं करते तो मुझे ईमेल कर देना, ईमेल आईडी डेफिनेटली नीचे है। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो देखने में मजा आया तो दैट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन गुड बाय। जस्ट लाइक मी अ लिटिल बिट स्केयर्ड ऑफ हाइट्स, व्हाई डज द रेन ऑलवेज कीप ऑन पोरिंग डाउन व्हेन इट्स ग्रे आउटसाइड. Makes me wonder.